हर वेल एडुकेटेड और एलिजिबल शख्स जो आज सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को ही मिल रही है। ऐसे में आपको मेहनत और भाग्य दोनों का साथ चाहिए। मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी उपायों को आपको बता रहे हैं, तो इसको आप जरूर सुने और सच्चे मन से अमल भी करें। फिर देखिए, सरकारी नौकरी खुद आपके द्वार आएगी। तो पंडित जी से ही जानेंगे सरकारी नौकरी पाने के लिए आसान, अचूक और असरदार उपाय। तो हमारे साथ आप बने रहिए। मुझे लगता है हर वो युवा, क्योंकि मैं देखती हूँ सालों दर साल इस तैयारी में लगे रहते हैं कि सफलता मिलेगी, उनके साथ साथ उनके परिवार के भी सपने होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हमें ये तो पता है कि हमें कर्म करना है, हम उसकी तैयारी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ ग्रहों की दशा होती है, कुछ ऐसा होता है जो हमें नहीं जानकारी होती है। तो इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हमने अपने दर्शकों के लिए रखा है। तो जरूर सुनिए, पंडित जी आपको अचूक और असरदार उपाय बताएंगे। और जैसा कि पंडित जी हमेशा कहते हैं कि जो पंडित जी उपाय बताते हैं, आप विश्वास के साथ उसको फॉलो कीजिए तो सफलता मिलेगी। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, सरकारी नौकरी जो है ये आज बहुत बड़ा ड्रीम है। लेकिन अब जैसे मैं अपने देश की बात करता हूँ, दूसरे देश की बात नहीं करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ। छोटा सा देश है, 145 करोड़ की आबादी है, तो ये कभी संभव नहीं है कि सारे लोगों को सरकारी नौकरी में नियोजित किया जा सके। चाहे किसी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई सरकार जाए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी पाने के लिए भाग्य बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। न विद्या न बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। भाग्य जो है वो आगे आगे दौड़ती है, और जब पुरुषार्थ और भाग्य, जैसे रेल की दो पटरियां होती हैं और दोनों में कहीं एक सेंटीमीटर का चौड़ाई में फर्क नहीं होता है, दोनों समानांतर चलती हैं, समानांतर मुड़ती हैं, समानांतर सीधी रहती हैं, समानांतर टेढ़ी होती हैं, समानांतर ही रहती हैं, उसी तरह से जब पुरुषार्थ और भाग्य दोनों समानांतर चलता है तो सरकारी नौकरी क्या? दुनिया की हर वो सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके लिए मानव जन्म के लिए जो कल्पना, बहुत कल्पनातीत होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकारी नौकरी है, तो अगर ज्योतिष शास्त्र में कोई आप अध्ययन कर रहे हैं किसी के कुंडली के बारे में, तो उसमें तीन ग्रहों का मुख्य रूप से आपको अध्ययन करना चाहिए। एक तो सूर्य का, दूसरे गुरु का और तीसरे शनि का। ऐसे में जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं वो सूर्य की उपासना जरूर करें। अब सूर्य की उपासना कैसे करेंगे भाई? देखिए, अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर होगा तो बार बार आप रिटेन तक क्वालिफाई करेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और यदि आपका सूर्य अच्छा है, आत्मविश्वास आपके अंदर झलक रहा है, तो आप चढ़ करके इंटरव्यू वाले के प्रश्नों का उत्तर देंगे और वहां आप अपना झंडा गाड़ देंगे। जरूरी नहीं है एक समग्र ज्ञान आपको हो, जरूरी यह है कि आपके अंदर वो टैलेंट हो कि आप अपनी बात को ठीक से कह पाए। और ये सूर्य की उपासना से ही संभव है, या सिर्फ सनातन धर्म में गायत्री की उपासना से ही ये संभव हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य अवस्था में ही जनेऊ कराने का और गायत्री मंत्र की दीक्षा का विधान है। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अगर किसी बालक का जनेऊ हो रहा है तो उसको जो मंत्र दी जाती है
वो मंत्र गायत्री ही है जो दी जाती है। क्यों? गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है, और गायत्री का उपासना करने वाला अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लेता है और उसका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़ के बोलता है। तो भैया सीधी सी बात है कि आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, ओम घृणिः सूर्याय नमः। ये छोटा मंत्र है, इसको भी आप 10 माला 31 दिन जप करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल में परिवर्तन देख सकते हैं। और तीसरा मंत्र पौराणिक है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। ये मंत्र भी आप 10 माला करके 31 दिनों के अंदर अपने अंदर परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं। ये उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो परीक्षा के पहले बीमार होने लगते हैं, परीक्षा के पहले भयभीत होने लगते हैं और परीक्षा आने के बाद नर्वस होने लगते हैं, परीक्षा की तिथि घोषित होते ही नर्वस होने लगते हैं। उन लोगों की सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, और अगर स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं तो 12 वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके सूर्य के वैदिक मंत्र का 31,000 मंत्र जप करवा करके विधिवत हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन का आयोजन परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व रविवार को करना चाहिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा ग्रह गुरु, बृहस्पति की कृपा और शनि का उपाय ये होना चाहिए। देखिए बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है और शनि जो है ये दास ग्रह है, दास सेवक ग्रह है। अगर शनि का उपाय हो जाए, बृहस्पति का उपाय हो जाए तो भी सरकारी नौकरी में आसानी होती है। लेकिन आप इतनी बात को ही मत मानिए, नवमेश अगर अपने उच्च नवांश में या अपने स्वनवांश में होगा तो ऐसा आदमी उच्च प्रशासनिक अधिकारी होगा, ग्रह कोई भी हो। ये मैं अपने जिंदगी का आपसे अनुभव साझा कर रहा हूं। लग्नेश उच्च नवांशक में या अपने नवांश में हो, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। दशम भाव का स्वामी उच्च नवांशक में या उच्च राशि में स्थित हो और उसको पापक ग्रह न देखते हो, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो सूर्य की उपासना के लिए तांबे के लोटे में सुबह सुबह जल लेकर के और उसमें थोड़ी सी रोली चावल फूल डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ देना चाहिए और हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हर मंगलवार बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा का मतलब UPSC, UPPCS, PCSJ, जो बड़ी परीक्षाएं हैं, उन विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरा 2 कहना मान लो, चाहे जितनी आपकी कुंडली खराब होगी नौकरी आपके कदमों में आके झुक जाएगी। पहला कहना ये मानो, कसम खा लो कि मैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ, मर सकता हूं लेकिन ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तेज है और ब्रह्मचर्य के बिना कोई व्यक्ति कहीं सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। पहली प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य का, और दूसरी प्रतिज्ञा खान पान की शुचिता का। हम कोई ऐसा खान पान नहीं करेंगे जो अशुद्धि से या तामसिक ढंग से तैयार हुआ है। हम सात्विक भोजन ही करेंगे और जीवन निर्वाह के लिए भोजन करेंगे
भोजन करने के लिए जीवन नहीं धारण करेंगे। ये दो बातें अगर आपके अमल में आ जाएं, तो इसके बाद सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। सुबह के समय पंछियों को जौ, बाजरा या सात तरह का अनाज खिलाएं। गाय को आटा और गुड़ खिलाएं। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ी पीसी हल्दी मिलाकर स्नान करें। एक बात और बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 साल का समय है, 3 साल बाद आपको परीक्षा देनी है, 3 साल बाद आपके परीक्षा का रिजल्ट आना है, 3 साल बाद आपको एम्प्लॉयमेंट लेना है, तो एक उपाय ऐसा बताता हूं कि आपके कुंडली के सारे ग्रह नकारात्मक हों, सारे ग्रह आपके कुंडली के बहुत गंदी स्थिति में हों, सारा प्रारब्ध आपका चौपट हो। ये उपाय करने के बाद आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आप कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा गया है वो आपको भोगना पड़ेगा। ये उपाय मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। वो उपाय ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में आइए, एक बढ़िया ऊनी आसन बिछा करके, पूरब मुंह करके, एक घी का दिया प्रज्वलित करके, और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब 15 सेकेंड श्वास को अंदर खींचना है, 60 सेकेंड तक दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकना है और 30 सेकेंड तक दाहिनी नाक से सांस को बाहर निकालना है, और फिर यही क्रिया दाहिनी नाक से 15 सेकेंड श्वास को खींचना है, 60 सेकेंड रोकना है और 30 सेकेंड बाईं नाक से छोड़ना है। इसके लिए एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस की किताब है उसमें मिलेगा। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 आवृत्ति होनी चाहिए। सांस खींचते समय ये मंत्र 1.5 बार, 1:1/2, 1.5 बार ये मंत्र श्वास खींचते समय पढ़ लीजिए और 1.5 बार और नाभि पर 6 दल नीले कमल पर बैठे हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद भूरे रंग के 16 दल वाले कमल पर ब्रह्मा को बैठे हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा को देखते हुए 3 बार इस मंत्र को पढ़ लीजिए। फिर 3 बार द्विदल 2 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल अपने माथे पर भ्रिकुटी पर ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र को 3 बार कर लीजिए। सांस खींचने में, रोकने में, छोड़ने में, इतने 1 मिनट 45 सेकेंड के पीरियड में आप इस मंत्र की 9 आवृत्ति कर लें। ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने 3 साल कहा है। जब आप शुरू करेंगे तो 10 सेकेंड, 40 सेकेंड और 20 सेकेंड से शुरू करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ेगा तब ये 15 सेकेंड, 60 सेकेंड और 30 सेकेंड को होगा। इस अभ्यास में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। अगर आप सोचें कि 1 दिन में हो जाएगा, ये असंभव है। और मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है कि जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध प्राणायाम की स्थिति है, जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है वो मतलब कि जो है ध्वस्ति प्राप्ति संबित और प्रसाद, 4 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। ध्वस्ति जो है आपके शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाएं, इसको ध्वस्ति कहते हैं। प्राप्ति कहते हैं उसको कि आपकी मनोकामना सद्य पूर्ण हो जाए, उसको प्राप्ति कहते हैं। संबित कहते हैं कि आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाए, और प्रसादावस्था ये कहते हैं कि आपको आवश्यकता के अनुरूप सब कुछ अपने आप मिलने लगे। तो कहने का आशय हमारी ये है कि अगर आप, अच्छा हाँ, गीता में भी साफ वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य नैवम संत ही पापानी पूर्व जन्म कृतांच, जो गीता का नित्य अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध बाधित नहीं करते। इसलिए ये सुरेश पांडे का कोई आइडिया नहीं है, ये हमारे धर्मशास्त्र का आइडिया है। अगर आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम से सारे ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। हाँ, गणेश जी का ऐसा कोई चित्र या मूर्ति घर में रखें या लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाहिनी ओर हो। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं,
सूर्य की रोशनी में, गायत्री मंत्र का नियमित जप कर सकते हैं, घर की पूर्व दिशा को खुला रखें जिससे ज़्यादा रोशनी और हवा घर में आ सके, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की सात परिक्रमा करें, नारंगी और लाल रंग का प्रयोग करें, अपने माता पिता के घर से निकलते समय चरण स्पर्श करें। जय माँ विंध्यवासिनी।